हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी सुमो गोल्ड और आज इस गाड़ी का मैं करने वाला हूँ पूरा कूलिंग सिस्टम फ्लश। कूलिंग सिस्टम फ्लश कई बार फ्लश से काम नहीं चलता, रेडिएटर को निकाल के ही पूरा क्लीन करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है कि इस रेडिएटर को बाहर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम में लगे लगे हम फ्लश कर सकते हैं। चेक कैसे किया मैंने, क्या क्या प्रोसेस होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहाँ जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। और दूसरी चीज़, आज जो मैं इस सिस्टम को फ्लश करूँगा ऑर्गेनिक तरीके से। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि लिक्विड मोली का रेडिएटर फ्लश जो आता है उस केमिकल को डाल के हम कैसे फ्लश करते हैं, लेकिन आज का फ्लश थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रेडिएटर से जा रही है लाइन इंजन ब्लॉक में, बीच में लगा होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, साथ में हमारा इंपॉर्टेंट रेडिएटर कैप। इसके अंदर पानी था, पानी मैंने ऑलरेडी खाली कर दिया है, खाली किया था मैंने चेक करने के प्रोसेस में। अब जो सबसे पहला काम हमको फ्लश करने से पहले क्या करना होता है, हमको निकालना है इसका थर्मोस्टेट वॉल्व। थर्मोस्टेट वॉल्व की लोकेशन ये है, इसको खोलते हैं और थर्मोस्टेट निकालते हैं। चार पेच लगे थे यहाँ पे, मैंने निकाल दिए, यहाँ रख दिए। अब यहाँ हमको दिखेगा हमारा थर्मोस्टेट वॉल्व, एक निकल गया, ये आ गया जी हमारा थर्मोस्टेट। अभी देखिए ये थर्मोस्टेट वॉल्व मैंने यहाँ से निकाल दिया। मेरा पर्पस क्या था, थर्मोस्टेट वॉल्व को चेक करना, अगर चेंज करना होगा तो। इस मॉडल में क्या है, ये पूरा बॉडी एक साथ आती है, यानी कि ये पूरा एक साथ मिलेगा आपको, तभी चेंज करना होगा। कुछ में क्या होता है, ये वॉल अलग से निकल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा ही है। मैंने इसको चेक किया, वॉल अभी सही है, मेरा थर्मोस्टेट वॉल सही है, अंदर से भी इतनी ज़्यादा रस्ट नहीं है, इसे हम फ्लश से क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने इसको खोला, चेक कर लिया। अब हमको ये वापस यहाँ फिट करना पड़ेगा फ्लश करने से पहले। क्यों, क्योंकि इसमें ये सिस्टम निकलने वाला नहीं है, ये एक साथ ही चेंज होगा। तो अब क्या करेंगे, हम मजबूरी है, इसको साथ में लगा ही देंगे। अदरवाइज़ कुछ कार में होता है इस टाइप से होता है, तो इसको निकाल के वापस से होजिंग को फिक्स किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में फ्लश करने से क्या होता है कि गाड़ी को हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक रीच नहीं करना पड़ता है उसको सर्कुलेट होने के लिए, वो नॉर्मली सर्कुलेट होता रहता है। अब जबकि हम ये लगा के ही फ्लश करेंगे तो हमको थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा पड़ेंगे, क्या, क्योंकि हमको गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा देर तक स्टार्ट रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। तो पहले मैं इसको चेक कर लिया मैंने, अब इसको मैं कर देता हूँ फिक्स जैसा ये लगा हुआ था सेम वैसे। एक चीज़ और, फ्लश तो हम कर रहे हैं, फ्लश जब भी कर रहे हो तो ये ध्यान दीजिए, जितनी भी पाइपलाइन है पाइपलाइन को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है पाइपलाइन से कूलेंट लीक हो गया और गाड़ी हीट हो गई। आपका थर्मोस्टेट वॉल्व भी सही था, रेडिएटर कैप भी सही था, कूलेंट भी आपने डाल रखा था, लेकिन पाइप की वजह से कूलेंट लीक हो गया चलती गाड़ी में, और उस कंडीशन में फिर अगर चलती गाड़ी में ऐसा हुआ तो फिर इंजन सीज ही होता है। पाइप चेक कर लीजिए, पाइप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी ये भी कनेक्शन निकालूंगा, नीचे यहाँ पे बॉन्ड लगा के फिक्स किया गया है। अभी मैं ये कनेक्शन भी अलग करता हूँ, फिर यहाँ से भी इसको चेक करता हूँ। ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को मैं स्क्रबर से साफ करूँगा और फिर चेक करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर रस्ट लगी रह जाती है और नीचे का होल नहीं दिखता हमें, तो मैं इसको प्रॉपर चेक करने के लिए साफ कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं होल तो नहीं है, ठीक है, ये जॉइंट ठीक है। पाइप मैंने खोल दिए, पाइप भी साफ कर लिया, चेक कर लिया, कहीं से कोई लीकेज का ऐसा पॉइंट नहीं है। इन सारी चीज़ों से होता क्या है ना कि हमारा मन से डाउट चला जाता है कि हमने कुछ छोड़ रखा है, बेझिझक गाड़ी चला सकते हैं, और ये सारी चीज़ें चेक नहीं करते तो मन में एक डर बना रहता है, यार पता नहीं कोई पाइप तो लीक नहीं हो गया। अभी हम गाड़ी चलाएंगे तो बिल्कुल बेफिक्र होकर चलाएंगे कि भाई साहब हमने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है। बाकी अब मैं यहाँ पे इसको फिट कर लेता हूँ पहले। अभी देखिए मैंने सारे पाइप चेक कर लिए, थर्मोस्टेट चेक कर दिया, सारे कनेक्शन चेक करके दोबारा से फिट कर दिए, इवन मैंने नीचे वाला जो होस था वो भी फिट कर दिया। अब मेन टाइम है हमारा इस सिस्टम को फ्लश करने का। फ्लश करने के लिए पहले तो कैप की कंडीशन दिखा दूं मैं आपको, ये फ्लश के साथ ही रहेगी, इसके बाद भी देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया, क्या ये सब क्लीन हुआ या नहीं हुआ। ठीक, अब हमने देख लिया कि हमारा रेडिएटर यहीं लगे लगे क्लीन हो सकता है, इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम फ्लश करने के लिए अब करना क्या है मुझे, सबसे पहले तो मैं डालूंगा इसमें थोड़ा पानी, 2 लीटर पानी डाल दिया मैंने। अब क्या डालना है मेन केमिकल वो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि बिना फ्लश किए जो हमने पानी निकाला था, ये देखिए उसमें क्या कुछ था, यानी फ्लश के बिना जो कचरा नीचे था वो इसमें दिखेगा। पानी ऊपर ऊपर से गिरा दूंगा, नीचे जो कचरा होगा वो बच जाएगा।
दिख रहा है अब ये जाने लगा, पानी मैंने गिरा दिया इतना, ये सब गंदगी इसकी वैसे ही जमा थी जो हमने सिस्टम सिर्फ खाली नीचे से ड्रेन किया और ये सारा निकल आया। और एक बार पाइप लगा के भी छोड़ा था हमने तो जो भी सर्कुलेशन हो के, ये मिट्टी है, रस्ट है और ये सब पार्टिकल्स हैं देखिए। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। अब मेन पॉइंट, अब मैं इसमें फ्लश करने के लिए डालूंगा सबसे पहले वाइट वेनेगर। वाइट वेनेगर है मेरे पास करीब हाफ बोतल, फुल बोतल होता वो भी डाल देता, हाफ है ठीक है काम चल जाएगा। अब क्या करूँगा, फिर से थोड़ा सा पानी डालूंगा, 2 लीटर पहले डाला था, 1 लीटर अभी, अप्रॉक्स 1 लीटर के आसपास ये डब्बा है। अब इसके बाद एक चीज़ और डालूंगा मैं इसमें, मैं डालूंगा लिक्विड डिटर्जेंट। अब इसके बाद अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सिट्रिक एसिड, कितना डालूंगा, टीस्पून। स्पून से गिरने लगेगा, एक आइडिया मैं बता देता हूँ आपको कितना डालना है, लगभग 5 to 7 स्पून, 10 स्पून भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, इसको ऐसे ही डाल दूंगा मैं। अभी जब पानी डालूंगा तो सारा ये डाइल्यूट हो जाएगा। अब फिर से इसमें डालूंगा पानी, पानी डालूंगा अब धीरे धीरे। ये आ गया, अब एक चीज़ और है हमारी, इसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है और गंदा भरा हुआ है तो इसको मैं एक बार ड्रेन कर दूंगा। ड्रेन करने के लिए ये पाइप हटाऊंगा और ड्रेन हो जाएगा। पाइप हटाया, ये पानी यहाँ से निकलने लगा, थोड़ा सा यहाँ से डाल दूंगा, ऊपर होके निकल जाएगा। इसका जो ड्रेन है इसमें हो सकता है कि कुछ कचरा फंस जाए, तो मैंने एक क्लच वायर लिया और यहाँ इंसर्ट किया, इंसर्ट करके इसको अच्छे से साफ कर दिया। यार अभी खाली हो गया और अब मैं इसका ये पाइप दोबारा से लगा दूंगा। अब इस बॉक्स में मैं डाल दूंगा ये सिट्रिक एसिड, मैंने डाइल्यूट करके रखा है एक पानी की बोतल में, सिंपल ठंडे पानी में भी ये डाइल्यूट हो जाता है। आधा वो डाल दिया और आधा ये मैंने पानी भर दिया। ये रस्ट अभी आपको दिख रही है, बाद में देखेंगे कितनी दिखती है। लॉक कर दिया। और एक चीज़, रेडिएटर कैप पहले देख लिया फुल है कि नहीं, पानी पानी बिल्कुल फुल करना है, एयर नहीं रहनी चाहिए। अब क्या करूँगा, अभी ये कैप खुला रहने दूंगा और गाड़ी को पहले स्टार्ट करूँगा। न्यूट्रल स्टार्ट होते पानी कम हो गया तुम्हारे, देखिए ना, पानी में और डाल दूंगा। पानी फुल और अब हमारा ये रेडिएटर कैप टाइट। अब इसको छोड़ देंगे गाड़ी को तब तक जब तक कि टेम्परेचर हाफ पे ना आ जाए, पूरा हाफ पे आ जाए, फैन चल जाए। क्यों छोड़ रहा हूँ तब तक, जब ये टेम्परेचर बिल्कुल हाफ पे आ जाएगा और फैन चल जाएगा तब क्या होगा, ये थर्मोस्टेट वॉल्व खुल जाएगा और यहाँ से पूरा सर्कुलेशन करना शुरू करेगा। बस उतना टाइम मुझे वेट करना है। अभी गाड़ी को स्टार्ट रहे करीब 15-20 मिनट हो गए लेकिन अभी भी फुल हाफ पे टेम्परेचर नहीं आया, ये फैन अभी तक नहीं चला। और इतनी देर हम चाहें गाड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है ये बताता हूँ। जब गाड़ी स्टार्ट है, प्रेशर बना रही है, तो आपको सारे जॉइंट्स चेक करने हैं कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि देखो सारे पाइप खोले थे मैंने, कहीं से अभी तक कोई लीकेज नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है कि कोई लीकेज तो नहीं है, बस इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाइप वगैरह नहीं खोले हैं तो चला सकते हैं। टेम्परेचर अभी दिखाता हूँ कितना आया है गाड़ी का, अब सेंटर पे आने वाला है, मतलब थोड़ा सा अभी पीछे है, थोड़ा सा एक्सीलेटर देता हूँ। करीब 15-20 मिनट हो गए इसको स्टार्ट, लेकिन अभी तक इतना टेम्परेचर आया है। ये अच्छी बात है कि गाड़ी देर में टेम्परेचर उठता है, गाड़ी तुरंत हीट नहीं हो रही, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होती है, हेड गैस्केट का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो गाड़ी जल्दी से हीट हो जाती है। तो फिलहाल इसमें इतना टाइम लगा ठीक है। फैन अभी भी नहीं चला है, अभी वेट कर रहा हूँ फैन चलने का, जैसे ही चलता है फैन फिर दिखाता हूँ।
अभी टेम्परेचर आ चुका है हाफ पे, लेकिन फैन अभी भी नहीं चला है। अभी दिखाता हूँ, फैन अभी भी नहीं चला, क्योंकि होता क्या है, पहले थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, उसके बाद इसमें आता है, फिर भी अगर टेम्परेचर लग रहा होता है उसको भी बढ़ रहा है, तब जाके उसके बाद फैन चलता है। तो अभी थर्मोस्टेट वाल्व तो खुल चुका है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है पूरा, फैन चलने देते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। अगर थोड़ी देर बाद भी फैन नहीं चला तो फिर इस गाड़ी को बंद कर देंगे। कई बार क्या होता है, कुछ गाड़ियों में फैन ऑन नहीं होता, अगर आप खड़ी गाड़ी दिन भर भी स्टार्ट रहने देंगे तब भी फैन नहीं चलता, तो थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था तो देखो क्या हुआ, फैन तो नहीं चला, यहाँ से देखो झाग बाहर आने लगा। अब झाग यहाँ पे बाहर आने का मतलब कि ये जो प्रेशर कैप है ये रिलीज हुई है इस समय, और यहाँ से जो प्रेशर है वो आ रहा है इसके अंदर। अब देखिए इतना वेट करने के बाद जब यहाँ से झाग आने लगा, अब इसके बाद जाके ये फैन ऑन हुआ। इट मीन्स कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं, कैप ने सही टाइम पे इसको रिलीज़ किया, यहाँ प्रेशर आया, और जैसा ये निकलने लगा थोड़ी देर बाद टेम्परेचर सेंसर ने सेंड कर लिया कि साहब अब इस फैन को चला देना चाहिए, इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसमें दो फैन लगे हुए, दोनों चल रहे हैं, फैन चल गया। अब देखते हैं टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल सेंटर पे है, थोड़ी सी रेस देंगे। फैन ऑफ हो गया। अब क्या, अब मतलब ये हुआ कि हमारा जितना भी ये हमने इसके अंदर केमिकल डाला था, जो कुछ भी डाला था, वो पूरा इंजन ब्लॉक से होते हुए पूरे में अब सर्कुलेट कर रहा है। तो अब इसको सर्कुलेट होने देंगे सिर्फ 4-5 मिनट और फिर इंजन को ऑफ करेंगे। अब 5 मिनट और हो गए, यानी कि पूरा वो केमिकल अच्छे से सर्कुलेट हो गया। अब मैं करूँगा यहाँ से इंजन ऑफ, और अब सेम इसी कंडीशन में गाड़ी को मैं छोड़ दूंगा ओवरनाइट। पूरी रात ये केमिकल ऐसे ही इसके अंदर रहेगा और फिर अपना वो काम करेगा, मॉर्निंग में इसको फ्लश करेंगे।